नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गुरनानी, सीईओ आईएमएफटी। आपके लिए मैं आज लाया हूं कि 20 मिनट में किस तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी चाहिए, 20 मिनट में किस तरह से कस्टमर के माइंड में इंश्योरेंस की थिंकिंग जनरेट करनी चाहिए, 20 मिनट के प्रेजेंटेशन में लास्ट में कस्टमर आपसे सॉल्यूशन मांगे, पॉलिसी मांगे किस तरह से, तो जानना चाहते हैं साथियों। तो पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 20 मिनट में पॉलिसी क्यों बेचनी चाहिए। साथियों, जब भी आपका वाई क्लियर होता है, आपको क्यों करना चाहिए, जब भी वाई क्लियर होता है तो आप उसके बाद जो काम करते हो सेटिस्फेक्शन मिलता है और रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले साथियों 20 मिनट में आपको पॉलिसी क्यों बेचनी चाहिए, कैसे तो हम बाद में आएंगे, क्यों बेचनी चाहिए। सबसे पहले बताता हूं, इंश्योरेंस एजेंट का जो काम होता है वो समाज सेवा का है। इंश्योरेंस एजेंट का जो काम है वो गीता के श्लोकों से निकला हुआ है। उस जमाने से कहा गया है कि फैमिली का प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। साथियों, जब भी कोई आदमी इंश्योरेंस के बगैर डेथ होता है, उसका परिवार परेशान होता है, उसके लिए जिम्मेदार कोई है तो सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट। साथियों, एक बार सोचिए, अगर आपने किसी परिवार को प्रोटेक्शन के बगैर छोड़ दिया, अगर कोई परिवार प्रोटेक्शन के बगैर रह गया तो उसका पाप आपके सिर पर होगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि यह सब चीज छोड़ के, लोगों का सुनना छोड़ के, लोगों का दिमाग में लेके न चले, हर एक परिवार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंश्योर्ड हो, हर एक के परिवार को प्रोटेक्शन मिले, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपने जो एजेंसी लिया है उसका मेन मूल मंत्र यही है कि हिंदुस्तान का हर एक परिवार प्रोटेक्टेड रहे। अगर साथियों कोई बगैर प्रोटेक्शन डेथ हुआ तो आपको पाप लगेगा। अगर यह आपने अपने मन में यह ठान लिया, सोच लिया, समझ लिया तो किसी के ना बोलने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो वाई क्लियर होने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से 20 मिनट में पॉलिसी बेची जा सकती है। साथियों, 20 मिनट में पॉलिसी बेचने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट, किस तरह से कैसे बात करनी चाहिए, तो सबसे पहले साथियों हम 4C के ऊपर बात करेंगे कस्टमर को। जब आप 4C के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले कस्टमर को आपको पूछना है कि ये 4C क्या है, क्या आपको 4C के बारे में पता है। ये छोटा सा एक क्वेश्चन कस्टमर को सोचने पे मजबूर करता है कि 4C क्या है। तो 4C में साथियों सबसे पहला सी आता है क्रिएशन ऑफ इनकम, इनकम का सृजन करना, कमाना, क्रिएशन ऑफ इनकम, वो हर एक इंसान को करना चाहिए। सेकेंड आता है कंजम्पशन ऑफ इनकम, खुद के लिए, समाज के लिए, बिजनेस के लिए, परिवार के लिए जो हम खर्च करते हैं उसको बोला जाता है कंजम्पशन ऑफ इनकम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, पैसे बार 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 आने चाहिए, हर बार लगातार आने चाहिए, दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। आपका परिवार, मेरा परिवार या पूरा समाज या पूरा देश कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम पर चलता है साथियों। और 4C आता है कंजर्वेशन ऑफ इनकम, इनकम को संभाल कर रखना, उसमें से प्रॉपर्टीज और गोल्ड और बाकी के जो भी एसेट्स क्लास है उसमें इन्वेस्टमेंट करना। तो मैं फिर से आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं, क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ इनकम, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम एंड कंजर्वेशन ऑफ इनकम। यह समझाने में कस्टमर को आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद क्या करना है साथियों, 2 मिनट के बाद फिर आता है इन 4C के आधार पर, या 4C के आधार पर दुनिया में साथियों 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग कौन है, पहले प्रकार के लोग, पहले प्रकार के वो लोग हैं जो 1C करते हैं, क्रिएशन ऑफ इनकम करते हैं, कंजम्पशन ऑफ इनकम करते हैं, मतलब जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, सब बढ़िया चलता है, परिवार अच्छी तरह से चलता है, खुद अच्छी तरह से चलते हैं। तो ये पहले प्रकार के लोग 2C करते हैं, क्रिएशन ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन ऑफ इनकम। लेकिन जो और 2C हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम एंड कंजर्वेशन ऑफ इनकम, उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये पहले प्रकार के लोगों को तकलीफ नहीं होती, लेकिन 2 चीजें उनके लिए अवश्य होती है, 2 प्रॉब्लम आएंगे उनके। सबसे पहला, भविष्य में उनको अपने परिवार पर निर्भर रहना पड़ेगा,
बुढ़ापे में, और दूसरा अगर उनकी डेथ हो गई, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उनका परिवार गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है साथियों। यह है पहले प्रकार के लोग। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो इनकम को क्रिएट तो अच्छी तरह से करते हैं, कंजम्पशन भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, पैसे बहुत अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन ओवर कंज्यूम कर देते हैं। बहुत सारी ईएमआईज होती हैं उनकी, बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, घर लोन पे, मकान लोन पे, दुकान लोन पे, कार लोन पे, फॉरेन वेकेशन लोन पे, गजेट्स लोन पे बहुत ज्यादा ईएमआई होती है। ऐसे साथियों इन लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन इनको परेशानी तब होती है भविष्य में इनको भी बुढ़ापे में बच्चों पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिएशन ऑफ इनकम करते हैं, कंजम्पशन ऑफ इनकम को ओवर करते हैं, और जो दो इम्पोर्टेंट सी है, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम एंड कंजर्वेशन ऑफ इनकम, जो लास्ट के दो सी है, इम्पोर्टेंट सी है, वो नहीं करते। बुढ़ापे में इनको भी बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है, और अगर डेथ हो गया साथियों कोई परिस्थिति में तो इनका परिवार गरीबी के दुष्चक्र में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि ईएमआई लोन परिवार के सिर पे आती है। ये हुए दूसरे प्रकार के लोग। और साथियों तीसरे प्रकार के लोग, थर्ड टाइप ऑफ पीपल, तीसरे प्रकार के लोग कौन से होते हैं? ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया कमाते हैं, इनकम जबरदस्त होता है, परिवार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़िया होता है, मकान गाड़ी ये सब कुछ संपन्न होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, लालच में कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम पर न सोच के, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम पर ध्यान न देके कंजर्वेशन ऑफ इनकम पर ध्यान देते हैं। मतलब जो चार सी है, क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ इनकम, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम एंड कंजर्वेशन ऑफ इनकम, तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम पर ध्यान न देके सीधा जंप मारते हैं कंजर्वेशन ऑफ इनकम पर। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इनकम बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत जोरदार चलता है, लेकिन इनके लिए रिस्क क्या होता है साथियों, यह भी मैं बताता हूं। इनको बुढ़ापे में बच्चों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, और अगर कोई गंभीर बीमारी आ गई, विकलांगता आ गया, क्रिटिकल इलनेस आ गया, तो अगर लॉन्ग टर्म तक इनकी कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम नहीं आती, हर बार पैसे नहीं आते, तो इनको ये जो प्रॉपर्टीज है बेच के अपना जो भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज उन्होंने ली हुई है, कंजर्व की हुई है, उनको बेच के अपना लाइफस्टाइल चलाना पड़ता है। और अगर ये बहुत टाइम तक चला, बीमारी लंबी चली, तो इनको ये प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ती है, या अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है उसको नीचे लाना पड़ता है। ये तीसरे प्रकार के लोग हुए साथियों। तो चौथे प्रकार के लोग कौन है? ये चौथे प्रकार के जो लोग हैं वो सबसे बेस्ट हैं। वो क्रिएशन ऑफ इनकम जबरदस्त करते हैं, फोकस होता है इनकम क्रिएशन करने पर, बिजनेस पे, जॉब में, प्रोफेशन में, कंजम्पशन भी बढ़िया करते हैं, लाइफस्टाइल मस्त होता है, परिवार को खुश रखते हैं, और ये कंजम्पशन ऑफ इनकम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इनका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होता है कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। इनकम आनी चाहिए, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूएशन पर पहले फोकस करते हैं, उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ इनकम। मतलब यह लोग क्रिएशन से लेके फर्स्ट सी से लेके फोर्थ सी तक बहुत ही बढ़िया करते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं आती। अगर इनकी डेथ हो जाती है तो भी परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम और कंजर्वेशन ऑफ इनकम इन्होंने बनाकर रखी है। और ये अगर रिटायर होते हैं साथियों, तो रिटायरमेंट में भी इनको अपने बच्चों पर निर्भर नहीं होना पड़ता, इनके लिए कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम का जो प्रोविजन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो साथियों किसी भी इंसान को फोर सी बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहिए, क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ इनकम, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम एंड कंजर्वेशन ऑफ इनकम। यह फोर सी और चार प्रकार के लोग, 4C चार प्रकार के लोग समझाने में आपको 10 मिनट लगेंगे साथियों कस्टमर को। तब कस्टमर सोचता है मैं पहली कैटेगरी में हूँ, दूसरी कैटेगरी में हूँ, तीसरी कैटेगरी में हूँ या चौथी कैटेगरी में हूँ। दुनिया के सब लोग ये चार कैटेगरी में आते हैं साथियों। तो ये हो गए 10 मिनट। बाकी के 10 मिनट में हमको क्या करना है? बाकी के 10 मिनट में साथियों हमको समझाना है, सर पूरी दुनिया 6 प्रकार के लाइफस्टाइल में बटी हुई है। इस दुनिया में 6 प्रकार के लोग रह रहे हैं।
तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है लग्जूरियस लाइफस्टाइल, जो दुनिया के 0.001% लोग हैं, हो सकता है 0.0001% लोग हैं वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल में आते हैं। उनके पास क्या नहीं होता आप सोच नहीं सकते, उतने पैसे होते हैं उनके पास आप सोच नहीं सकते, वैसी लाइफस्टाइल रहती है। तो साथियों, ऐसे अमीर लोगों में दुनिया के टॉप 20% जो लोग होते हैं अमीरों में, वो इस लाइफस्टाइल में आते हैं, जिनके पास अपने यैच होते हैं, अपने बोट्स होते हैं, अपने फ्लाइट्स होते हैं, अपने आइलैंड्स होते हैं, अपने देश होते हैं। तो यह है लग्जूरियस लाइफस्टाइल। उसके बाद साथियों आता है कंफर्ट लाइफस्टाइल। कंफर्ट लाइफस्टाइल में भी इनके पास बहुत पैसे होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, रिसोर्ट्स होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, तो इनको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती साथियों। तो यह हुई दूसरी लाइफस्टाइल। तीसरी लाइफस्टाइल है नेसेसिटी। नेसेसिटी में उनके पास लग्जूरियस कार्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत बड़े बिजनेस होते हैं। यह चार प्रकार के सी इन सब के लिए बहुत नॉर्मल है, बहुत छोटी चीज है। तो ये लग्जूरियस वाले अल्ट्रा रिच भी हैं। उसके बाद आता है बेयर एग्जिस्टेंस। बेयर एग्जिस्टेंस मतलब एक या दो गाड़ी कार, एक या दो फैक्ट्री या एक दो बिजनेस, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा प्रोफेशन, परिवार के लिए बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये होता है बेयर एग्जिस्टेंस। उसके बाद आता है साथियों पावर्टी। पावर्टी में ऐसे लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, या उनके जो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और लाइफस्टाइल भी नॉर्मल रहती है, एक या दो टू व्हीलर रहते हैं, एक मकान रहता है, टू व्हीलर सेकेंड हैंड हो सकता है, नया हो सकता है, और यह लोग छोटी छोटी जरूरतें होती है उनके लिए स्ट्रगल करते हैं और काम करते रहते हैं। और जो लास्ट लाइफस्टाइल है साथियों वो है चैरिटी की लाइफस्टाइल। चैरिटी की लाइफस्टाइल मतलब वो लोग फर्स्ट सी नहीं करते, क्रिएशन ऑफ इनकम नहीं करते, कंजम्पशन करते हैं। यह लोग समाज धर्म के ऊपर निर्भर रहते हैं, रिश्तेदारों पर निर्भर रहते हैं। तो ये छह प्रकार के लाइफस्टाइल मैंने साथियों क्यों बताया आपको? हर एक इंसान अपने परिवार की लाइफस्टाइल को अप करना चाहता है। अगर वो एक्टिवा पे है तो कार के लिए सोचता है, कार पे है तो अपर मॉडल के लिए सोचता है, अपर मॉडल है तो एक्स्ट्रा लग्जूरियस गाड़ी के लिए सोचता है, बहुत सारी गाड़ियां हैं तो बहुत सारे बिजनेस के बारे में सोचता है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं तो हेलीकॉप्टर, फ्लाइट, प्लेन, बहुत कुछ लेना चाहता है। तो हर एक इंसान अपने परिवार को अपग्रेड करना चाहता है साथियों। अगर वो न रहा, उसके न रहने पर अगर उसने 4C कंप्लीट नहीं किया है, तो परिवार को ऊपर उठाने में, उसकी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में 10 से 20 साल लगते हैं साथियों। लेकिन अगर वो इंसान नहीं रहा तो लाइफस्टाइल 2 महीने में, 3 महीने में बिल्कुल नीचे आ जाती है। तो जो परिवार बेयर एग्जिस्टेंस पर है, कंफर्ट पर है, अगर अपने परिवार को प्रोटेक्शन नहीं देता तो वो चैरिटी या पॉवर्टी पे आ सकता है। तो यह प्रोटेक्शन है इंश्योरेंस, यह प्रोटेक्शन है परिवार की लाइफस्टाइल, यह प्रोटेक्शन है परिवार का भविष्य। आप किसी भी लाइफस्टाइल में हो, आपके पास ऐसा प्रोटेक्शन होना चाहिए कि आपके न रहने पर वो परिवार की लाइफस्टाइल जो है उसको नीचे न आने दे साथियों। तो यह है 6 प्रकार के लाइफस्टाइल। साथियों 6 प्रकार के लाइफस्टाइल आपने बता दिए, इसमें आपको लग सकते हैं 8 मिनट। पहले 4C के लिए 2 मिनट, उसके बाद 4 प्रकार के लोग, उसमें 8 मिनट हो गए 10 मिनट, उसके बाद 8 मिनट में आप समझाएंगे 6 प्रकार के लाइफस्टाइल, उसके बाद 2 मिनट। यह 2 मिनट में साथियों आपको कस्टमर से एक सवाल पूछना है, एक सवाल जो कस्टमर को सोचने पे मजबूर करेगा, सर ऐसे कौन से 6 कारण हैं जिससे इंसान की इनकम बंद हो जाती है? तो कारण नंबर 1 डेथ, मृत्यु। कारण नंबर 2 विकलांगता, डिसेबिलिटी। कारण नंबर 3 गंभीर बीमारी, क्रिटिकल इलनेस। कारण नंबर 4 रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से इनकम बंद होती है। कारण नंबर 5 बिजनेस में लॉस, बिजनेस का बंद होना। कारण नंबर 6 नौकरी का जाना, नौकरी का न होना। साथियों ये 6 कारण है जिसके हिसाब से इंसान की इनकम बंद होती है साथियों।
तो ये 20 मिनट मैंने आपको बताया साथियों, ये तीन कॉन्सेप्ट्स में 20 मिनट में आप इंसान को सोचने पे मजबूर कर सकते हैं साथियों।